नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई, जिसमें पूरे बिहार में बनाए गए 1500 परीक्षा केंद्रों पर 16,37,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर जिले में 48,784 परीक्षार्थी के लिए बनाए गए 57 परीक्षा केंद्रों पर मंगलवार की सुबह से ही परीक्षार्थियों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहा। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में बनाए गए 41 केंद्र के अलावा नवगछिया में 9 और कहलगांव के 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हर केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, जबकि सेंटर के 200 गज के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई है। इधर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। वहीं इस बार बिहार बोर्ड और प्रशासन की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मैट्रिक परीक्षा में शामिल सभी पदाधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसकी मदद से राज्य के सभी 1500 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखी जा रही है। बता दें कि मंगलवार को शुरू हुई मैट्रिक परीक्षा 22 फरवरी तक चलेगी और इस दौरान सेंटर पर परीक्षार्थियों की जांच कर नियमों का उल्लंघन नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं मंगलवार को हुई गणित विषय की परीक्षा के दौरान जूतों और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रोक रही। इधर मैट्रिक परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी और दंडाधिकारी ने अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर जायजा लिया और केंद्र अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दिया। आज शांतिपूर्वक परीक्षा ली जाती है, कदाचार रहित परीक्षा हम लेते हैं। हम स्वयं यहाँ पर खड़े रहते हैं, इसलिए खड़े रहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी बात अन्य तरह का ना। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुमारी है। मैं सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल के प्राचार्य हूँ और मेरे यहाँ बच्चियाँ परीक्षा देने आई हैं। इसके लिए हमने सैनिटाइजर वगैरह है रखा हुआ, बच्चों का बहुत बढ़िया से चेकिंग करवा रहे हैं, प्रिस्किंग बढ़िया से करा के तब अंदर भेजते हैं और बिना जूता मोजा का ये सब चेक करके किसी भी लड़की को छात्रा को जूता मोजा में हम अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। भागलपुर में एक ऐसा अस्पताल है जो अक्सर किसी न किसी कारण से चर्चा में बना रहता है और विवादों से भी इसका पुराना नाता है। दरअसल शहर के आदमपुर चौक के समीप स्थित तेजस्वी हॉस्पिटल में पहले भी इलाज में बरती गई लापरवाही को लेकर रोगी के परिजन से होने वाले विवाद के कारण हंगामा हो चुका है, जबकि इसके कारण यहां आए रोगियों के परिजनों के साथ डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के द्वारा मारपीट और अमानवीय व्यवहार की खबर भी पूर्व में आ चुकी है, जो मरीजों के साथ अस्पताल प्रबंधन के लिए चिंता की बात है। वहीं सोमवार को तेजस्वी नर्सिंग में नाथनगर नसरत खानी निवासी कपिल देव सिंह के पुत्र अमित कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रबंधन पर अमित कुमार की मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों को बताया। इधर मृतक अमित के पिता कपिल देव सिंह का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके बेटे की जान चली गई। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद रविवार को इलाज के लिए तपस्वी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और सही इलाज के अभाव में सोमवार की दोपहर अमित की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटे के इलाज के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाता रहा, लेकिन डॉक्टर सिर्फ आश्वासन देते रहे और आखिरकार उनके पुत्र की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि इलाज को लेकर जब शशिकांत जोशी को कहा गया तो उन्होंने उल्टा सवाल करते हुए कहा कि वो जैसे इलाज कर रहे हैं होने दीजिए, रोगी को कुछ नहीं होगा और आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, लेकिन अंत में अमित की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले दिसंबर माह में ही अमित कुमार की शादी हुई थी और इस घटना से पूरा परिवार मर्माहत है। हालांकि अस्पताल में शोर शराबा की खबर मिलते ही जब कवरेज के लिए मीडियाकर्मी अस्पताल पहुंचे तो चौथी मंजिल चढ़ने के लिए लिफ्ट पर सवार होने पर वहां के कर्मियों ने लिफ्ट की बिजली काट दी। इसके कारण कई मीडियाकर्मी भी काफी देर लिफ्ट में फंसे रहे। वहीं मीडियाकर्मियों द्वारा इसकी जानकारी देने के लिए भागलपुर एसएसपी और डायल 112 पर फोन किया गया, लेकिन दोनों ही नंबरों पर बात नहीं हो सकी। जबकि सिटी डीएसपी द्वारा इसकी जानकारी जोगसर थाना को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम की मदद से लिफ्ट खोलकर सभी मीडियाकर्मी को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक तपस्वी नर्सिंग होम लाठी डंडों और लात घूसों से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था, जिससे कई लोग घायल हो गए और वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पक्ष आना फिलहाल बाकी है। प्रैक्टिस अच्छा चलता है, रिटायर कर गया है, उनको हम व्हाट्सएप किए तो बोला बेटा तुम जो है ना विनय कृष्ण को जाके दिखाओ, बढ़िया रिपोर्ट नहीं है। हम कल संडे था, हम शाम में आके विनय कृष्ण को दिखाए। विनय कृष्ण देखने के बाद एक भी एक दवा लिखे और बोला कि इसका एक ही इलाज है, इसको सेक लगा दी।
24 घंटा में ठीक हो जाएगा, आप आराम से जाइए। इसको पोषना नहीं है इस रोग को, 3 दिन हो गया, बहुत हो गया, इसको तुरंत सेक लगाइए, हॉस्पिटल चले जाइए या ICU में चले जाइए या तपस्वी में, आपका 10,000 खर्चा होगा, ठीक हो जाएगा। और बाद में जब बढ़िया ठीक हो जाएगा ना, तो एम्स में जाकर दिल्ली में एक बार दिखा दीजिएगा, एक वायर बन जाता है अंदर हाथ के पास, इसको इलेक्ट्रिक से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक हो जाएगा जिंदगी भर। हर लाख इसको भर्ती किए, 20,000 रुपया पैसा लिया, लापरवाही लापरवाही, पैसा ऐठने के लिए लापरवाही। क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा? हाँ, केस करें, लापरवाही कर रहा है। पैसा सिर्फ ICU का पैसा लेने के लिए उसने ऐसा काम किया है। भागलपुर नाथनगर एवं ललमटिया पुलिस ने छापेमारी के दौरान 9 शराबी को शराब के नशे के हालत में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शराबी को CTS चौक से गिरफ्तार किया गया है। वहीं ललमटिया थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर पासी टोला में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने शंकर चौधरी को 10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 4 अन्य शराबी को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। इसके बाद शराब कारोबारी और शराबी को मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंडों में ADEEP एवं वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण के लिए नाथनगर और सबौर प्रखंड में परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जबकि राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2016 के अंतर्गत वृद्धावस्था से संबंधित दिव्यांगता या शारीरिक रूप से असक्षम BPL श्रेणी में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नित्य जीवन सहायक उपकरण प्रदान किया गया। परीक्षण शिविर में पंजीकृत दिव्यांगजनों एवं वृद्धजन को ELIMCO कानपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ टीम द्वारा पंजीकरण की रसीद उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्हें आवंटित किए जाने वाले सहायक उपकरण का नाम अंकित किया गया। इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि दिव्यांग शिविर के लिए उन्होंने कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को जरूरत का यंत्र मिलना राहत की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलते ही जिले के सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से यंत्र मुहैया कराया जाएगा। विकलांग शिविर में हमने कुछ दिन पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखा था कि हमारे यहाँ जितना विकलांग है उनका शिविर लगा करके प्रत्येक प्रखंड वाइज सबों को उनका यंत्र दिया जाए, जिनका पैर वगैरह जो भी जिसके लायक है उसके यंत्र को उनको दिया जाए और उनका सहायता किया जाए। तो इसमें सरकार से हमें चिट्ठी आया कि आपके सभी प्रखंडों में एक एक दिन कर सभी विकलांग को दिया जाएगा और उसी का ये परिणाम है। भागलपुर सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को लेकर मंगलवार को विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लोकगीत गाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका रेशमी कुमारी के निर्देशन में 8वीं कक्षा के छात्रा निशा कुमारी ने लोकगीत की प्रस्तुति दी, जबकि सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। जबकि इस दौरान स्कूल में प्रार्थना के बाद बच्चों समेत विद्यालय परिवार की ओर से स्कूल में 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भवानंद सिंह, बिंदु भूषण रजक, अंजू मिश्रा समेत स्कूल के सभी बच्चे मौजूद थे। भागलपुर के नरगा कोटी चंपानगर में मंगलवार को पूर्णिमा सावित्री देवी वाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रभारी मनोज तिवारी, कार्यक्रम प्रमुख सुप्रिया कुमारी एवं अभिभावक लक्की और अपर्णा झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कक्षारूण एवं उदय में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने माता पिता को तिलक लगाकर पूजन और आरती की, जबकि इसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने चरण स्पर्श कर अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इसको लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि समाज पाश्चात्य सभ्यता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे एवं युवा पीढ़ी के साथ समाज के लोग अपने अभिभावक का सम्मान और आदर करना भूलते जा रहे हैं और इसको देखते हुए उनके अंदर देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को कायम रखना जरूरी है। साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्या भारती समाज में अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बनाए रखने के साथ बच्चों के मन में माता पिता के प्रति जिम्मेदारी और आदर का भाव बनाए रखने का प्रयास कर रही है। शशि भूषण मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है और बच्चे द्वारा अपने माता पिता का पूजन करना भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण है। इसके अलावा कार्यक्रम प्रमुख सुप्रिया कुमारी ने सभी को मातृपितृ पूजन दिवस की बधाई दी, जबकि कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने
गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर सभी अभिभावकों, आचार्य एवं छात्र छात्राओं का मनोरंजन भी किया। वहीं अभिभावकों के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खुशबू कुमारी, उमा सिंह एवं धर्मेंद्र कुमार सिंह को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी चंपा नगर भागलपुर के आज वंदना सभागार में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें अरुण और उदय कक्षा के अभिभावकों को बुलाया गया और उसी कक्षा के छोटे छोटे भैया बहन अपने माता पिता के तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित कर एवं आरती करके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। भागलपुर सुल्तानगंज मिरहट्टी पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन के कारण यादव टोला के 300 बच्चों का पठन पाठन बंद हो गया है। इसको लेकर यादव टोला के वार्ड सदस्य गुंजन रंजन कुमार का कहना है कि विद्यालय का भवन जर्जर होने पर 300 बच्चों का पठन पाठन दो दिन से बंद है, जबकि मंगलवार को ग्रामीणों की अनुशंसा पर मुखिया अशोक यादव और सरपंच सुबोध कुमार के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य दयानंद कुमार से मुलाकात कर यादव टोला के सामुदायिक भवन में ही सभी बच्चों का पठन पाठन शुरू कराया गया। इस दौरान प्राचार्य दयानंद कुमार ने बताया कि स्कूल का भवन जर्जर है और एसडीएम के आदेश पर जर्जर भवन में बच्चों का पठन पाठन बंद किया गया है, लेकिन मुखिया और सरपंच की पहल पर सभी बच्चे के पठन पाठन की व्यवस्था तत्काल सामुदायिक भवन में की गई है। साथ ही कहा कि विद्यालय में 1 से 10वीं कक्षा तक के 1650 बच्चे हैं, जबकि स्कूल में 10 शिक्षक हैं, लेकिन विद्यालय के 12 कमरे में से महज 5 कमरा ही सही अवस्था में है और 7 कमरा की हालत पूरी तरह से जर्जर है। अब यही हुआ कि ये 250 बच्चे का हम गुंजन प्लस रंजन कुमार हैं, वार्ड 4 सदस्य हैं। मुखिया जी के आदेश हुआ, ग्राम सरपंच का भी आदेश हुआ कि उस सब बच्चा का यहाँ से पीट किया जाए, नया भवन बनेगा। फिर स्कूल आया था 2007 में, फिर स्कूल जिला से घूर के चल गया। फिर हम सब तैयारी हैं, ग्रामीण सब जारी है, इस सब बच्चा का वहाँ समुदायिक भवन में हम ले जा रहे हैं। वहीं पढ़ेगा, वहीं पे पढ़ेगा सब बच्चों ने, सारा मास्टर भी वहीं रहेगा। 400 बच्चे बल्कि विद्यालय पोषक क्षेत्र में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि अनामांकित है। रही बात की एक विद्यालय में आज 11 साल से प्राथमिक विद्यालय यादव टोला मिरहट्टी जो है वो संचालित हो रहा था। उस समय जिस विद्यालय को पूर्व प्रभारी के द्वारा जो अलॉट किया गया था जो कमरा, वो आंशिक जर्जर था। 11 साल के दरमियान में वो दो कमरा पूर्ण जर्जर हो चुका है। एसडीएम साहब के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में ये बात स्पष्ट रूप से उसी समय डीओ साहब से बात हुई एसडीएम साहब की, उन्होंने आदेश दिया कि जो जर्जर भवन है उनसे बाद से बैरिकेटिंग कर दिया जाए। विद्यालय शिक्षा समिति के साथ बैठा करके वो जर्जर भवन को तोड़ने का आदेश दिया गया। तो मैं इसके बाद वो प्राथमिक विद्यालय यादव टोला है वहाँ से मुख्य उस थी मिरहट्टी पंचायत के मुखिया के द्वारा हमें फ़ोन किया गया। मुखिया जी के द्वारा 8 दिन का समय लिया गया कि सर मुझे 8 दिन का समय दिया जाए, मैं अपना विद्यालय जो है वो अपने पोषक क्षेत्र में ले आऊँगा। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभिया गांव में राशन कालाबाजारी की सूचना पर कवरेज करने पहुंचे एक निजी चैनल पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि डीलर के द्वारा अवैध तरीके से राशन की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने एक निजी चैनल के पत्रकार को दी। वहीं इसके बाद खबर कवरेज करने के मौके पर पहुंचे पत्रकार के साथ वहां पर मौजूद गछिया पंचायत के मुखिया राघवेंद्र मंडल के पुत्र राहुल कुमार के द्वारा धक्का मुक्की और गाली गलौज करने की बात कही जा रही है। इधर घटना को लेकर पीड़ित पत्रकार ने गोपालपुर थाने में मुखिया पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा फोन पर डीलर के द्वारा टेम्पो पर लादकर चावल के बोरे को बेचने के क्रम में पकड़े जाने की सूचना पत्रकार को दी गई थी, जिसके बाद पत्रकार मौके पर पहुंचे और तो उनके साथ मुखिया पुत्र द्वारा धक्का मुक्की कर अभद्र व्यवहार किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने कहा कि गोपालपुर थाने में आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा।
करीब 9 बजे गाड़ी हमरा घिसने के लग रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।